हेलो गाइस, मैं हूं सोनू और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं MR क्रेजी के नए वीडियो में। दोस्तों, जिस तरह से आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ चुकी है, ये हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। मगर कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ की पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। जैसे कि पुराने टाइम पे छोटे शहर में या फिर छोटे गाँव में बिजली नहीं होती थी और CFL या LED बल्ब्स नहीं हुआ करती थी, तो हमारे घरों में किस तरह से रोशनी होती थी, जानेंगे इस वीडियो में। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एंड तक पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जो भी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, ये सारे वेस्टेज और डिस्कार्डेड चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में यूज़ में नहीं आते हैं, वैसे चीज़ों का हम इस वीडियो में इस्तेमाल करेंगे। तो सामान लाया जाए। तो दोस्तों, जो चीज़ हमें चाहिए वो वेस्टेज ही है जो कि हम इसमें इस्तेमाल लेने वाले हैं, जिसके लिए हमें एक कांच की शीशी चाहिए या फिर बॉटल और एक साइकिल के ट्यूब में लगने वाली वाल्व भी, या इसे वाल्व भी कह सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं उसे चिमनी, लैम्प या फिर डिबिया भी कह सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक आधे हाथ की कॉटन की रस्सी, जो कि मेरे घर में पड़ी हुई थी तो मैंने काट कर रख ली है, और दो कांच की बोतल मैंने ली है जिसका कैप जो है मेटल का होना चाहिए। और यहाँ पे शर्त ये है कि इसमें जो बत्ती यूज़ होगी वो कॉटन की ही होनी चाहिए, कॉटन के अलावा कोई भी बत्ती काम नहीं करेगी। और इस तरह से दोनों कैप में मैंने एक छेद कर लिया है। अब हम इस साइकिल के ट्यूब वाली वाल्व को इसमें हम टाइट कर देंगे। ये हमारा लगभग बनकर आधी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको जलाने के लिए फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि हम एक को इसमें केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे के लिए एक बहुत ही ख़ास चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम लास्ट में आपको दिखाने वाले हैं। कुछ इस तरह से लगाना होता है और ये हम जितनी बड़ी छोड़ेंगे ये उतनी ही ज़्यादा इससे लौह निकलेगी आग की। और इसके लिए हमें सबसे पहले सूखे कॉटन के बत्ती को इस तेल में डुबाना होगा ताकि ये जल सके। और कुछ इस तरह से हम इसे वापस खींच लेंगे पीछे और सारे कॉटन के बत्ती को हमें इस तरह से शीशी के अंदर डालकर ऐसे टाइट कर देंगे और फिर हम इसे जलाकर देखेंगे कि ये जलता है या नहीं। ये रहा हमारा चिमनी लैम्प, या फिर इसे डिबिया कह सकते हैं हम। ये बनकर तैयार हो चुका है। मैंने यहाँ पे शीशे का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि आप लोगों को दिखे कि मैंने इसके अंदर क्या रखा है। और फिलहाल हम इसे अभी बंद कर देते हैं और अब बारी एक ख़ास किस्म के फ्यूल से दूसरे वाले लैंप को जलाने की। तो इसे हम बंद कर देते हैं अभी। तो इसे बनाने के लिए हम बहुत ही ख़ास किस्म के
फ्यूल का इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि ये है, जो कि पानी की तरह ये प्योर वाइट है। और ये मैं इसमें इस तरह से रख दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल पानी के ही जैसा है। आपको, मुझे तो पानी ही लग रहा था पहले। ये रहा हमारा पानी के जैसा दिखने वाला फ्यूल, और ये रहा हमारा मिट्टी तेल। अब दोनों को हम जलाकर देखेंगे कि क्या दोनों काम कर रहा है या फिर नहीं। देखा आपने, ये हमारा दोनों चिमनी लैंप या फिर डिबिया बनकर तैयार हो चुका है। और ये दोनों काफ़ी देर से जल रहा है, बट हवा के कारण थोड़ा सा दिक्कत तो हो रहा है इसे जलने में, मगर ये बिना किसी दिक्कत के जल रहा है और तेल आसानी से ऊपर चढ़ रहा है। और ये अब मैं बता दूं ये किस फ्यूल का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, तो ये पेंट में डालने वाला एक थीनर है। जी हाँ, ये एक थीनर है, और मैं थीनर का इस्तेमाल करके ये दूसरे लैंप को बनाया हूँ ताकि ये कुछ अलग क्रिएट कर सकूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूले, और वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे क्या करना है मैं नहीं जानता, बस सब्सक्राइब होना चाहिए।